हरिओम तत्सत। आज कबीर के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। कबीर ने दो बातें अच्छे से बता दी। पहली बात क्या बताई? कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहेब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। तो उसने दो बात बताई कबीर साहब ने। पहली बात बता दी, कर साहेब की बंदगी। अब बंदगी का मतलब क्या है? प्रार्थना। तो जो आप ईश्वर या परम शक्ति जो परमात्मा को मानते हैं, चाहते हैं, उसको याद करो। और वो याद भी कैसा? सतत रहना चाहिए। जैसे हमने जो सेंटेंस लिखा है ना, साक्षी भाव, तो कंटिन्यू साक्षी भाव में रहना है। वो सच्ची बंदगी है। सिर्फ सुबह शाम मंदिर में जाकर आ गए या गुरुद्वार में या मस्जिद में जाकर आ गए, आपका काम हो गया, जी नहीं, वो बात नहीं है। 24 घंटे उसकी याद रहनी चाहिए, यानी 24 घंटे उसकी बंदगी करना है, ये सच्ची बंदगी है। दूसरी बात बताई, भूखे को अन्न दे। आपके घर में जो कोई मांगने वाला आया, उसको थोड़ा दे दो खाने का। आजकल लोग पैसे मांगते हैं, पैसे हो सके मत दीजिए। बहुत जरूरतमंद जैसा आदमी आ गया तो उसको दे सकते हैं, लेकिन हो सके उसको खाने को दे सकते हैं। उसको क्या चाहिए? वो आपके गाड़ी मंगा तो कोई मांगता नहीं है, सिर्फ एक दो चपाटी मांगेगा। या कोई घर में फ्रूट पड़ा तो फ्रूट दे दो उसको। हाँ, पैसे मांगते हैं, लेकिन हो सके उसको बोला भाई खाना है ले लो। पैसे इसलिए मांगते कि पैसे से आप कुछ भी वो खरीद सकता है। अगर उसको कोई व्यसन होगा तो व्यसन के बारे में भी, पैसे हो गए तो वो ले खरीद सकता है ना, इसलिए आजकल लोग पैसे मांगते हैं। लेकिन उसको बोलना भाई, जो कोई आया है मांगने वाला, प्रेम से बोलना भाई ये है चीज, मैं प्रेम से देता हूँ तो आप ले लीजिए, फिर आपकी मर्जी। बराबर, तो हो सके थोड़ा भी दे सकते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, चलो भागो यहाँ से, तो फिर भाग जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो कुदरत ने दिया है वो आप इकट्ठा करते रहते हैं, देते नहीं है। तो जो फ्लो है, बहता है कुदरत का, वो रुक जाएगा, कट हो जाएगा। जैसे तालाब, तालाब क्या होता है? वही पानी बदबू मारता है, तालाब का पानी। लेकिन नदी का देखो पानी, नदी का पानी कैसा है? बहता रहता है। छोटा झरना भी बहता रहता है तो वो पानी स्मेल नहीं आएगा, वो पानी पीने के लायक होगा। लेकिन तालाब का पानी कैसा है? उससे छोटे चले जाओ तो कुएं का पानी, वो भी बंद दिया है लेकिन नीचे बहता है पानी। तो तालाब का पानी बदबू लगाता है, यानी वो बिगड़ जाता है क्योंकि वो बहता नहीं है। तो लक्ष्मी भी ऐसी है, लक्ष्मी भी बहती होनी चाहिए। तो कबीर जी ने दो बात बहुत ही बढ़िया बता दी कि आपको करना है साहेब की बंदगी, सुमिरन करो या 24 घंटे साक्षी भाव में रहो, एक बात हो गई। और दूसरी बात बता दी, भूखे को अन्न देना है। कोई भी आदमी आपके नज़दीक आता है, कोई भूखा है, तो उसको प्रेम से थोड़ा खिला दो। कहीं बाहर गए लगता है भूखा आदमी है, मांग रहा है, तो उसको बगल में से कोई भी दुकान में से 5 रुपये का पैकेट आता है ग्लूकोज का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट ले लो, उसको दे दो, काम हो गया आपका। कोई फ्रूट की लारी खड़ी है तो 2-4 केले ले लो, केले दे दो, हो गया। चला जा, कुछ नहीं है, चल भाग इधर से, तो फिर भगवान भी अगर वो रूप में आया है तो बोलेगे तथास्तु। ये सब पढ़ते हैं ना आप, जो सत्यनारायण की कथा में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, वो बनिया साधु महात्मा वहाँ आते हैं भगवान का रूप लेकर और पूछते कि आपके नाव में क्या रखा है, तो क्या बोले? बेल पत्ते है, कुछ नहीं है उसमें। क्या बोला? बेल पत्ते है। तो बोला भगवान है तथास्तु, तो बेल पत्ते हो गए। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, अगर कौन से रूप में आते, वो दरिद्र नारायण कहते हैं, वो भी नारायण का स्वरूप है। दरिद्र मतलब वो जो मांगने वाला है, भीख मंगा तो नहीं कहेंगे अब, दरिद्र नारायण कहो, उसमें भी नारायण है, वो स्वरूप आपके दिमाग में होगा तो ये सब चला जाएगा, आप अपने आप प्रेम से कुछ भी दे देंगे।
इसका अपमान मत करो। कई बोले अरे इतने हट्टे कट्टे मास्टर क्यों है, शर्म नहीं आती है? होते हैं, सही बात है, ऐसे होते हैं, आजकल वही होता है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। अभी बीच में भी आया था ना एक आदमी जो वहाँ गुजर गया, तो उसके पास से 5 लाख की 8 लाख की एफडी मिली बॉम्बे में। होता है, चिंता मत करो, लेकिन हमारा क्या है, एक रोटी देने से हम कहीं गरीब होने वाले नहीं है, और एक रोटी देने से वो अमीर नहीं होने वाला जी। उसको 1 रुपये 2 रुपये देना है, पैसे देना है तो छोटा ही देना है, 1-2 रुपये दे दो, खाना दे दो। कुछ नहीं, डरना नहीं है, उसको बोलना है अगर डरा गया तो वो मांगने क्यों आता है, उसको ही बोलो ना, आप ही भगवान को बोल दीजिए, और आप एक गाड़ी बंगला रख लो, भगवान से ले लो और बैठ जाओ, डरो मत। बदमाश कहवाए, ये बदमाश गिरी है तो नहीं देना है। ऐसे जो बोलते हैं बुरा आदमी है, ये बुरा ही है, ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके सामने तो हमारा हथियार उठाना चाहिए। भगवान ने भी कहा है, भगवान ने भी श्रीमद् भगवद् गीता में यही बात कही है, जो आता चाहिए बदमाश गिरी कर दे, जबरदस्ती कर दे, उससे मत करो। कोई श्राप देते हैं, हाँ, क्योंकि वो सच्चा होगा तो उसको जो मिला भगवान की मर्जी मानकर वो ले लेगा। ये तो आपके पास चीटिंग करता है, और वो कहीं ऐसा भी है, आप कितना ही डालो ना उसमें ज्यादा ही जाता है। ये लोग बहुत टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो हिप्नोटाइज कर देते हैं, हाँ, इसीलिए अकेले होते हैं या लड़ते बराबर। सच्ची बात से कहने का मतलब मेरा इतना ही था कि जब भी आपको ऐसा लगे उसको थोड़ा खाना दे सकते हैं, लेकिन अगर वो चीटिंग करता है, आपको पता चला कि भाई ये ज़्यादा मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, और पूरा बोले मटका भरकर आपको अनाज देना है, ये देना है, उसको हाथ जोड़ कर बोला है भाई मैंने एक कटोरी दे दिया है, प्रेम से आप ले लो, औरों को भी मुझे देना है, आप अकेले नहीं है, और भी लोग होते हैं, उसको मुझे इच्छा है तो मैं उसको दे सकता हूँ या देती हूँ। अभी मैंने प्रेम से आपको इतना दिया है, आपको प्रेम से लेना है तो लीजिए, वरना आपकी मर्जी, ऐसा उसको कह सकते हैं, तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। ठीक है, चलो समय हो चुका है, ऐसा तो कल थोड़ी बात करेंगे। अस्तु, हरिओम तत्सर्व।